कनिका का बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया आज आपको व्लॉग में देखने को मिलने वाला है, और मेरी फ्रेंड कैसे मिल गई मुझे रेस्टोरेंट में वो सब भी आपको जानने को मिलने वाला है। पहले तो इन लोगों का घर पर चल रहा है बहुत ज़्यादा ही झप्पी पप्पी, मतलब पापा बेटा बेटी का मिलजुल करके, और मुझे तो ये लोग साइड ही कर देते हैं हमेशा। लड्डू आ जा लड्डू, तो लड्डू डालना चाहती है आवाज़, ठीक है पहले ही बोली थी कि आवाज़ डालेगी आज वीडियो में, लेकिन आज जब मैं आवाज़ डालने बैठी हूँ ना तो देख रही है मुझे दूर से। लड्डू आ जा, अनमोल आ जा, दोनों आ जाओ। और पता है सुबह से ना हम लड्डू को ढूंढ रहे थे, सुबह मतलब अचानक ऐसा हुआ ना कि 5-10 मिनट के लिए मैं इधर उधर हटी और लड्डू दिखे नहीं, और यहाँ पे छुपी हुई थी ये कार्टून के अंदर। अनमोल सो रहा था, अनमोल की तबीयत कुछ खास ज़्यादा ठीक नहीं थी, और फिर हमने उसको उठाया, उसको स्कूल भेजे रेडी शेडी करके, और अगले दिन मंडोर टूर था लेकिन मंडोर टूर उसका कैंसिल हो गया, बट कोई बात नहीं। लेकिन आज लड्डू ने तो एकदम डरा ही दिया था, कार्टून में छुपके बैठी हुई थी एकदम छोटी सी। पता है मुझे ऐसा लगता है कि जिमनास्टिक वगैरह कुछ ऐसा करती थी, क्योंकि हमेशा क्या करती है सर ऐसे नीचे रख लेगी और पीछे से ऐसे पीठ उठा लेगी और ज़मीन पे, हम लोग डर जाते हैं अरे सर ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है, हम लोग डर जाते हैं लेकिन वो कर लेगी। वैसे ही छोटे से छोटे कार्टून में भी ना घुस जाएगी और पतले से पतले कार्टून में भी घुस जाएगी। तो मैंने कहा लड्डू तू पहले वो जिमनास्टिक वगैरह करती थी क्या कुछ ऐसा, तो बोलती है क्या करती थी मम्मी। मैंने कहा तुम लगता है ना योगा ट्रेनर थी या कुछ ऐसा था कुछ ना कुछ तुम्हारा, पता नहीं क्या। और मैं सोच रही हूँ लड्डू का कुछ ऐसे जगह पे एडमिशन भी कराएं जहाँ की वो ये सारी चीज़ों को वापस कह रही हूँ, मतलब मैं ऐसे मान के चलते सच में वो पहले ना ऐसे ही कुछ करती होगी। और मैं चाह रही हूँ कि उसको मैं कुछ ऐसी जगह पर एडमिशन कराऊँ जहाँ की वो इन सब चीज़ों को वापस से कवर कर पाए। और देखो हर बच्चे के अंदर ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं, हम लोगों को नोटिस करना होता है कि अपने बच्चे के अंदर क्या है ऐसी खास बात, और मेरे अंदर भी है कुछ ऐसी बचपन से ही है क्रिएटिविटी वाली। और मैंने यहाँ पे राखी बनाई अपने सभी भाइयों के लिए बनाई, और मेरी मम्मी ने भी फिर बोला कि मेरे भाई के लिए भी बना देना, तो उनके भी दोनों भाइयों के लिए मैंने राखी बनाई है। अब पहली बार मेरी बुआ ने मुझसे ज्वेलरी मंगाए हैं, अब मैं उनका पार्सल ऐसे ढीला ढाला सा कैसे जाने दे सकती हूँ, फुल पैसा मैंने भी वसूल कर लिया, मेरा डिलीवरी चार्ज नहीं लगा, उसी पार्सल में भर के भेजने वाली हूँ। बट हाँ ये ज़रूर है कि बॉक्स बड़ा करूँगी, क्योंकि छोटे वाले बॉक्स जो जाते हैं ना उसमें नहीं जा पाएंगे, ये वाले नॉर्मल ज्वेलरी के लिए जाते हैं। वैसे उनका ऑर्डर तो नेकलेस सेट का है, और हम जो वो वाला ऑर्डर, ये दोनों ना इतना बदमाशी कर रहे हैं, वैसे उनका नेकलेस सेट का ऑर्डर है छोटे वाले डब्बे में चला जाता है, छोटे वाला नहीं मतलब कि मीडियम साइज़ के डब्बे में चला जाता है, लेकिन हमें ना एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा जो ज़्यादा बड़ी वाली साइज़ वाली है ना उसमें डाल के भेजेंगे पार्सल, तो जाके सारी ज्वेलरी और सारी चीज़ें जा पाएंगी, क्योंकि उनकी वाली ज्वेलरी तो छोटे बॉक्स के हिसाब से है मीडियम साइज़ के हिसाब से। और एक सबसे छोटा बॉक्स जाता है जिसमें कि अगर कोई मंगलसूत्र ऑर्डर करता है ना या अंगूठियाँ ऑर्डर करते हैं तो वो उसमें जाते हैं, या राखी हो गया या सिंपली मंगलसूत्र हो गया, तो वही सबसे छोटा वाला और मीडियम साइज़ का डब्बा मिला करके एक उससे बड़ा साइज़ का है उसमें सब चला जाएगा। और यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके थे लड्डू के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पूरे दिन मैं बुखार से पड़ी हुई थी लेकिन फिर भी मैं अपने काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं बोली कि रात में बना देती हूँ शाही पनीर एंड रोटी, तो मेरे हस्बैंड बोलते तबीयत ठीक नहीं है कैसे बनाओगी। मैंने कहा अच्छा, तो सुबह से काम क्या ऊपर से आसमान से आके पड़ियाँ आके कर रही थी, मैं ही कर रही थी ना, तो फिर भी उनका मन हुआ कि नहीं चलो आज बना बनाया ही खाते हैं, और बहुत ज़्यादा हो गया कंटिन्यू इधर ना हम लोग ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, और रात में बस खा पाते हैं ढंग से और दौड़ भाग करते रहते लगे रहते हैं। और ऑब्वियसली जब ज़्यादा दिन हो जाता है ना 15-20 दिन का लग कंटिन्यू काम, तो बुखार आना हो ही जाता है, और इधर तो बहुत ज़्यादा हो रखा है। और हमारी संडे वाली क्लास इस संडे को लूँगी, इस संडे को मेरा बर्थडे है लेकिन फिर भी मैं क्लास लूँगी। और ये इधर ना दो संडे के अलावा बीच बीच में क्लासेस कंटिन्यू चलती रहती थी, तो काम तो हो ही जाता है। और यहाँ पे इन दोनों की नक्कल चल रही, ये मैं बार बार और कर रही हूँ, ये दोनों इतना बदमाशी कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं सारा पार्सल, इतना सारा पार्सल था ना सुबह रेडी किया हमने, और जब काम ज़्यादा होता है ना तो पता ही क्या होता है सबसे ज़्यादा मेरा और मेरे हस्बैंड का माथा पोड़ी, क्योंकि इसी में ये दोनों भी घुसे रहते हैं। अनमोल कनिका इधर पैकिंग हो रहा है, उधर आधा सामान गिरा रहा है, उधर ये कर रहा है वो कर रहा है, और उसी में हमारी पैकिंग के साथ साथ ये सब काम भी हो रहा होता है। बहुत बहुत हौच पौच सा हो जा रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि हेल्पर एंड सारी चीज़ें थोड़ा आसान करना, लेकिन देखो कब तक हो पाता है। जब कुछ प्लानिंग करती हूँ ना तो हमारी गाड़ी ना किसी और ही ट्रैक पे चलने लगती है, तो अभी मैं कोई प्लानिंग नहीं करूँगी। और
जैसे जो सामने होगा वो चीज़ करते जाऊंगी। यहाँ पे इन दोनों के तीनों की चल रही है मस्ती, जैसे जैसे उसके पापा करेंगे ना वैसे वैसे सेम टू कॉपी ना ये दोनों भी करेंगे टू कॉपी। हाँ मैं ये बोल रही थी कि हम सभी के बच्चों के ना कुछ क्वालिटी होती है सभी के बच्चों के अंदर, आपको ज़रूरत है उस चीज़ को कैच करने की और वो उस चीज़ से बहुत अच्छा आगे चल के लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, क्योंकि भगवान ने ना वही चीज़ देकर के भेजा है उसे कि वो उस चीज़ से बहुत कुछ कर सकता है। और मुझे पता यकीन नहीं होता है कि मतलब मैं बचपन से क्राफ्ट क्रिएटिविटी करती थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बिजनेस बन जाएगा और मैं इससे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का अब सारा कुछ कर सकती हूँ, और मुझे ये पता ही नहीं था। और मेरे अलावा बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो करना चाह रही हैं और वो लोग कर रही हैं ज्वेलरी कोर्सेज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मेरी क्रिएटिविटी जो बचपन से मैं करती थी इससे मैं अपने बच्चों की अपनी ज़िंदगी बना सकती हूँ। हर किसी के हाथ में ऐसा कुछ है, मैंने सोचा है अपने बच्चों के अंदर जो मेरे बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट होगा जो भी चीज़ मैं नोटिस करूँगी उस चीज़ को मैं आगे ले जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो भगवान का इशारा होता है कि ये आपके बच्चे को हमने ये चीज़ दिया है अब आप यूज़ करो उसको, और नोटिस करना होता है अपने। और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरी फ्रेंड भी है इस रेस्टोरेंट में, और वो एक्चुअल में ना पिज़्ज़ा ख़रीदने आई हुई थी, उसने उसके ऑर्डर आ चुके थे और वो बस निकल जाती, अगर हम 5 मिनट लेट होते तो वो हमें नहीं मिल पाती, लेकिन अचानक वो आई और पता उसका पूरा चेहरा उसने ढक रखा था, तो जब वो मुझे ऐसे टच की ना तो मैं डर गई, मुझे ऐसा लगा कोई सब्सक्राइबर है। मोस्टली हमें सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना तो ऐसे एक्साइटमेंट से मिलते हैं और वो मेरे कंधे पे से हाथ हिलाते, आप नेहा मैम हम आपको जानते हैं आपकी वीडियोस देखते हैं, तो हमें लगा कुछ ऐसा ही हुआ क्या यहाँ भी, बट ये मेरी फ्रेंड निकली। जब उसने स्टॉल खोला तब मुझे पता चला प्रतिभा, और इसके साथ ही इसके ट्विंस हैं, दो लड़के हैं, तो मैंने सोचा कि चलो, मेरे हस्बैंड तुरंत दिमाग लगाए कि इस रेस्टोरेंट में तो चिप्स और चॉकलेट वगैरह नहीं है, तो बगल में दुकान पर चले गए ढूंढने के लिए। मैंने बोला कि खा लेते हैं पी लेते हैं तुम भी खा लो हमारे साथ ही, तो वो बोले कि नहीं वो जल्दी में उसके घर पे कुछ लोग भी आए हुए थे, तो इसलिए हुआ कि चलो चॉकलेट और कुछ ला के देते क्योंकि बच्चे हैं हमारे भी दो बच्चे उनके भी दो बच्चे ऐसे करके। और यहाँ पे लड्डू आके बैठी थी और लड्डू को जब बोला ना प्रतिभा ने कि चलो लड्डू मेरे घर, तो बोलती है थोड़े देर तो मेरा मुंह देखी कि मम्मी मेरे लिए स्टैंड लेगी, बट मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो मुझे बोलती है इशारा देकर कि नहीं मतलब नहीं जाएगी मैंने कहा तू मेरे माथे ही मड़ी रहे और वो उसका बेटा इतना सीधा था कि नहीं ले रहा दे रही हूँ, तो मैंने कहा कि एक ले लो, और मतलब कि पहले मैंने उसको 4 पीस दिए थे बट उसका एक भाई है ना जो घर पर है तो मैं उसके लिए भी देना चाह रही थी। तो आज बर्थडे के दिन हमने गिफ्ट, आप लोग सोच रहे कि क्या दिया लड्डू को, तो लड्डू के लिए गिफ्ट में है गाउन, और घर चलेगी तो लड्डू पहनेगी केक कटिंग के टाइम पे। और यहाँ हम लोगों ने एंजॉय किया था पनीर, शाही पनीर, उसके साथ मेरे हस्बैंड दाल रोटी ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि चाहे हम कितने भी अच्छी जगह पर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए लेकिन मेरे हस्बैंड ना दाल रोटी ही खाएंगे और मैं शादी के बाद उनसे बहुत ज़्यादा डायलॉग सुनती आई हूँ, दाल रोटी खाते आज रेस्टोरेंट में हर जगह जब जाएंगे रेस्टोरेंट में दाल रोटी ही खाएंगे, बट यार मैं तो शाही पनीर खाऊंगी उसके साथ रोटी खाऊंगी और ये मेरे बच्चे भी यही खाएंगे और मैं नहीं सिखाऊंगी दाल रोटी का, बट और दाल रोटी के चक्कर में ना दाल रोटी वाली ज़िंदगी हो जाती है और हमारी भी हो ही गई थी और जैसा आप बोलो वैसी ज़िंदगी बन जाती है, मैंने तो ये नोटिस किया है, और जैसी मेहनत करो वैसी ज़िंदगी बन जाती है ये भी नोटिस किया है। और यहाँ पे मुझे अपनी मैम मिल गई थी और हमारा वर्कशॉप भी होने वाला है मंडे ट्यूसडे में, ऐसे कुछ आपको वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ से निकल ही रहे थे तो मैम मिली और मैम से हमने इतनी सारी गप लगाई कि आधा एक घंटा हो गया, बच्चे इधर दौड़ रहे मेरे हस्बैंड उधर दौड़ रहे बच्चे को पकड़ रहे इधर उधर, और मैं और मैम एक दूसरे से बात करने में ऐसे खो गए थे और फिर उसके बाद आ गए थे हम लोग केक लेने के लिए, लेट होता जा रहा था 8:30-9 बजने वाले थे और मुझे ऐसा लग रहा था सारे के सारे केक खत्म हो चुके हैं, लेकिन साइड से मुझे मैंगो का केक मिल गया, पाइनएप्पल केक खत्म हो चुका था, मुझे पाइनएप्पल केक बहुत पसंद आता है, और कोई बात नहीं आज हम लोग मैंगो केक इन्जॉय करते। मेरे हस्बैंड बोला अभी सीजन है आम का, फिर कहाँ मिलेगा तुम्हें मैंगो केक, ले लो चुपचाप से। तो फिर हमने यही ले लिया, ये रहा लड्डू का गाउन जो कि लड्डू ने पहन लिया है और कितनी ज़्यादा क्यूट सी लग रही है ना लड्डू, और हाय नजर न लगे थू 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 थू। और यहाँ पे हम लोग केक कटिंग करेंगे, लेकिन इन लोगों ने पहले ही ना इस पर जो चेरी लगा हुआ है ना उसको उठा के मुँह में डाल लिया, उसमें बीज है, मैंने कहा ये तो अटका लिया इसने बीज कहीं ऐसा ना हो, बट फिर साइड में फंसा हुआ था तो मैंने उसके मुँह में से बीज निकाला।
लड्डू के नाना नानी की तरफ से भी ना कपड़े के लिए आया था, तो वो कपड़े हम सोच रहे हैं बाद में ले लेंगे, और नहीं तो उसका मैं ले लूँगी अपने लिए क्योंकि इनकी शॉपिंग पहले ही हो गई थी। और मेरा बर्थडे है परसों, यानी कि आप लोग एक्साइटेड हो, वैसे व्लॉग में जब वॉइस ओवर करी उस हिसाब से तो कल ही है मेरा बर्थडे, लेकिन वीडियो आपको परसों ही देखने को मिलेगा ना, क्योंकि ऐसे होता है कि 26 को लड्डू का बर्थडे होता है, और आपको पता है ना कि मैं 25-26 कितने दिन से मैं लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तब जाके 26 आया है। और मैंने ना 25 को एकदम सोच रखा था कि आज बर्थडे है। और पता है क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने पूछा कि कौन सी ईयर में जन्म हुआ था लड्डू का, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैंने कहा याद नहीं आ रहा। फिर वो बोली अनमोल का, मैंने कहा उसका भी याद नहीं आ रहा, तो वो बोली कि अरे क्या हो गया तुम्हें, मैंने कहा अरे ये छोड़ो, मैं तो कल 25 को इसका बर्थडे मना रही थी, आज 26 है। और वो हंसने लगी, बोलती है कि अरे चलो कोई बात नहीं, अपने काम में लगे हो तो चलता है इतना। और मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं एकदम कल मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक था बुखार की वजह से। फिर मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने बताया अनमोल का जन्म कौन से साल में हुआ था, लड्डू का जन्म कौन से साल में हुआ था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, बट आप लोग बताना। हमने अपने देखो, हमने हमारा था ना कि हम कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, तो हमने 2 दिन पहले ही कर लिया था। आपने वो व्लॉग भी देखा होगा जिसमें कि वो उन महिला को हमने कई बार आपके आप लोगों को दिखाया, वो प्रेग्नेंट थी तब और अभी उनकी बेटी हुई थी, और वो वैसे ही ना वो वाले हम लोग वहाँ से चौराहा से निकलते हैं ना, तो वो वहाँ पे ही सबसे मांगते, वो बोलते भी है कि हम कितना बुरे दिन यहाँ चक्कर काटते हैं, बट हमें ना किसी किसी दिन खाना भी नहीं मिलता। तो हमने उस दिन उनको ना आटे का पैकेट और बिस्किट दे दिया था। वैसे हमारा प्लान था कि हम बर्थडे वाले दिन देंगे, और हमारा एक और प्लान था कि हम ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना साइड रोड साइड और सब जगह पे, हम उन सबको ब्रेसलेट बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन आज नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा काम भी बहुत ज़्यादा था, पार्सल्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने ये सोचा है कि चलो लड्डू के बर्थडे से 2 दिन पहले हमने खाना फूड डिस्ट्रीब्यूशन आटा और बिस्किट का तो कर दिया था दे करके, लेकिन ब्रेसलेट वाला जो सोचा है ना, हो सकता है कि हम लोग मेरे बर्थडे वाले दिन करें अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो वीडियोस देखने में तो नीचे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लड्डू जरूर बोलिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग किस तरह के चाहते हो वो भी बता दीजिएगा। लेकिन आपको नेक्स्ट व्लॉग किस तरह के मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे मेरे पार्सल सारे पैकिंग वाले, और उसके साथ में आज मैंने ज़्यादा कुछ ये सब नहीं दिखाया, उसके साथ में मेरे बर्थडे की क्या तैयारी चल रही है ये सब, और बर्थडे की तैयारी के साथ साथ मेरा वर्कशॉप का भी तैयारी चल रहा है, तो सब कुछ देखने को मिलने वाला है आपको आने वाले व्लॉग्स में।